एक्साइज 5.2 पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन सिक्स दिया है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव अब इसको करना है चेन रूल्स श्रृंखला नियम से दो फंक्शन है एक ये हो गया और एक ये हो गया फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी x, एक्स एक है डिवाइड वाला फार्मूला एक है मल्टीप्लाई वाला फार्मूला मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं किया फिर सेकेंड फंक्शन का डी डी एक्स किया प्लस सेकेंड फंक्शन का कुछ नहीं किया और फर्स्ट फंक्शन का डी डी एक्स किया ये फॉर्मूला है भाई जब भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होगा और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है और चेन रूल जो हमारे प्रैक्टिस में चल रहा है डायरेक्ट जो सॉल्व करने का उसी से करना ठीक है अब यहां पर कितनी सारी चीजें आ गई हर किसी को नहीं मान सकते हम

ये हुआ फर्स्ट फंक्शन ये हुआ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूला लगाओगे एफ ओफ एक्स डिवाइड डी एक्स ऑफ जीओ एक्स प्लस जीओफ एक्स ये फर्स्ट फंक्शन मतलब ये एफ ओफ एक्स और ये जियोफ एक्स यहां फार्मूला के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगेगा तो एफ एक्स मतलब कॉस एक्स क्यूब डीवाई एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स जी ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हमने इसका नहीं किया था इसका किया है इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स क्यूब इतना क्लियर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है. अब चेक कर रहे हैं यहां पर कैसे करोगे कॉस एक्स क्यूब हो गया डिफरेंशिएशन इसका करना है अब इसमें भी कैसे डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले किसका होगा टू तो टू का होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर n एन माइनस वन अब साइन की पावर टू है मतलब एन की वैल्यू टू है इसको सॉल्व करो अलग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर फाइव तो खाली इस डिफरेंशिएशन किसका होगा टू का टू नीचे आया मतलब ये देखो एन नीचे आ गया एन माइनस वन तो टू साइन अब टू में से वन जाएगा वन बचेगा तो टू साइन लिखेंगे और एंगल एक्स की पावर फाइव क्लियर लेकिन फिर इसका पूरे का करना पड़ेगा डी बाई एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर फाइव ठीक है वहीं पर डायरेक्ट करना है अभी पूरी चीजें का डिफरेंशिएशन पहले टू साइन का फिर साइन एक्स की पावर फाइव का फिर एक्स की पावर फाइव का तो डिफरेंशिएशन करो यहां पर इंटू टू साइन एक्स की पावर फाइव टू साइन एक्स की पावर फाइव अब डिफरेंशिएशन होगा डी बाई एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर फाइव सबका अलग अलग करेंगे स्टेप बढ़ा दो अभी स्टार्टिंग में प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव डीवाई डी एक्स ऑफ कॉस डीवाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स तो डीवाई डी एक्स ऑफ कॉस करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन एंगल क्या है एक्स की पावर थ्री अब फिर से किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा डीवाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू डायरेक्ट कितों को मानोगे बताओ कितनों को मानोगे यहां पर फिर से चेक करो कॉस एक्स क्यूब इंटू टू साइन एक्स की पावर फाइव अब डिफरेंशिएशन करो फिर से साइन का क्या हो गया माइनस कॉस एंगल लिखना पड़ेगा लेकिन एक्स होता तो छोड़ देते बट एक्स की पावर फाइव है उसका भी डिफरेंशिएशन करना चेन रूल श्रृंखला नियम प्लस साइन ये माइनस है? डिवाइड एक साइन का माइनस कॉस डिवाइड एक्स कॉस का साइन साइन का कॉस है माइनस नहीं आएगा डिवाइड एक्स ऑफ साइन का कॉस एक्स ठीक है अब यहां पर ये माइनस ये प्लस यहां लगा दो माइनस साइन एक्स की पावर फाइव साइन एक्स क्यूब और डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ पर और बच रहा है कॉस एक्स क्यूब इंटू टू साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव डिवाइड एक सौ एक्स की पावर फाइव क्या जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर माइनस साइन एक्स की पावर फाइव साइन एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर आंसर है चेक करो आगे पीछे हो सकता है आंसर चेक करें आगे पीछे हो सकता है ये साइनस कर ये साइनस कर ये साइनस को आ रहा है नहीं आ रहा है क्या आ रहा है ये देखो ये टू है ये फाइव है फाइव टू जै टेन कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव और एक्स की पावर फोर माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अब चेक करें अब हाँ आगे पीछे होगा बाकी ठीक है ये हमने टू और इसका मल्टीपल आगे पीछे आंसर होगा मैं सोच रहा हूँ ये वाला टेन बोल रहे हो आंसर में नहीं ये वाला टेन ठीक है क्वेश्चन टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है लेट वाई इक्वल टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया डी वाई बाई डी ऑफ टू रूट में कॉट एक्स स्क्वायर समझो डी बाई ऑफ रूट होता है वन अपॉन टू तो अगर रूट में कुछ और होगा तो उसको फिर से डिफरेंशियट करना पड़ेगा अभी हम एक्स मानकर कर रहे हैं बाकी लिखना करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू से टू कैंसिल कॉट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कौशिक स्क्वायर एक्स माइनस कौशिक स्क्वायर एक्स तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा माइनस कौशिक स्क्वायर कौशिक स्क्वायर और एंगल क्या है एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्वायर का dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीवाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा इन टू टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर अब ये आंसर है बेसिकली हमारा बट बुक का आंसर ये है माइनस टू रूट एक्स माइनस टू रूट टू एक्स बाय साइन एक्स स्क्वायर और साइन टू एक्स स्क्वायर ये बुक का आंसर है हमारा आंसर यही फाइनल है बट इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो देखो बुक के आंसर के लिए dy बाई डी एक्स पहली चीज इसका ट्रांसफर करो ट्रांसफर मतलब बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कौ एक्स इक्वल होता है one upon, वन अपॉन सॉरी खाली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cosec एक्स इक्वल वन अपॉन साइन एक्स नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री उसका फॉर्मूला cosec एक्स इक्वल वन अपॉन साइन एक्स तो यह आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इसका इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोई डाउट है क्या और रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कॉट एक्स का क्या होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स तो डेनोमिनेटर में रूट में एक्स स्क्वायर ये लिखा है तो हम उसको लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चल रहा है हमारे साथ माइनस टू एक्स अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं वाई बाई डी एक्स अगर ये रूट में ऐसा लिखा है तो साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे आएगा तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन ये माइनस टू एक्स इन टू रूट में साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा तो हम नीचे से ऊपर करके उसको न्यूमरेटर में कर दे रहे डेनोमिनेटर में आंसर हर में कर दिया बटे में कुछ नहीं है समझे वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर क्या है साथ में माइनस टू एक्स और इसको क्या लिख रहा हूं इसको ऐसे रूट अलग लगाना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ये इसके नीचे है ये इसके साथ ऊपर अंश में है अब इतना क्लियर है ना इस इतना भाग सिर्फ ये साइन एक्स स्क्वायर ऊपर क्योंकि ये पूरा बटे का साइन ये एक नंबर मतलब ऐसा बोल सकते हो पी बाय क्यू बाय एस ऐसा है by by S, si. तो एस क्या हुआ अगली स्टेप में पी इन टू बाय क्यू ऐसा लिखा गया डी वाई बाय डी देखो इसको साइन एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दे साइन कितनी बार है दो बार एक को अगर हम एक साइन को अगर हम इधर भेजें रूट के अंदर साइन बाहर कब आया साइन बाहर कब आया मतलब ये बोल सकते हो किसी अगर रूट में से हम किसी को कॉमन निकाले जैसे रूट में लिखा है हमारे पास टू इंटू टू तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो बाहर अगर टू है तो रूट में जाकर टू इंटू टू होगा भाई रूट में से टू अगर कॉमन बाहर निकाल रहे हैं हम रू स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं तो बाहर टू का आया जब अंदर कितने बार था दो बार था हमने यहां पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो साइन अच्छा स्टेप बढ़ा देता हूँ साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क् लिख सकते क्या दो बार लिख सकते बिल्कुल और साथ में क्या है साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर अब एक साइन को रूट में लेकर जाना है ये वाला आंसर लेकर आना इसलिए इतनी मेहनत हो रही है कौन सा वाला ये वाला साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर जब रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस टू एक्स बाई स्क्वायर मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना कि ये कॉमन आया है रूट में से वापस अगर इसको रूट में भेजेंगे तो क्या स्टेप आएगी हमारे पास स्टेप आएगी हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है बाय कॉस एक्स स्क्वायर है टू ये साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आया था अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्योंकि दो साइन कॉमन निकालेंगे तो एक साइन बनेगा अब यहां से कॉमन निकाल के ऊपर वाली स्टेप लिख सकते हो नीचे से ऊपर चल सकते हो साइन एक्स स्क्वायर है और ये दो बार है एक कैंसिल क्या बच रहा है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल माइनस टू एक्स बाय साइन एक्स स्क्वायर अब देखो ऊपर से रूट में सब हट है, नीचे नीचे बचाए तो मैं नीचे लिख लिख देता हूँ ऐसा ये लिखा मैंने पहले लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इसमें कोई डाउट है नहीं है अब फॉर्मूला सुनना टू साइन ए इंटू कॉस ए टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल क्या होता है साइन टू ए टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल क्या होता है साइन टू ए अब यहां पर हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है कॉस एक्स स्क्वायर है यहां पर क्या नहीं है टू नहीं है रूट में तो ये वाला फॉर्मूला यहां लगाने के लिए रूट में क्या होना चाहिए टू कैसे लेकर आओगे ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करनी दो का गुणा करेंगे नीचे भी करनी दो का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स ऊपर माइनस टू रूट टू एक्स ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई किया नीचे भी साइन एक्स स्क्वायर रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर यहां पर किसका मल्टीप्लाई किया हमने रूट टू का तो क्या मैं रूट टू का ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसा कर सकता हूं अलग मतलब एक स्टेप कम कर दी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या हो गया 2 2 इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया साइन टू ए तो ये क्या हो जाएगा साइन टू एक्स स्क्वायर आंसर है बुक का हमारा आंसर यहां तक यहां तक करोगे तो भी सही सही है और ये है आंसर किसका बुक में आंसर दिया है ये लिखा है मैंने माइनस टू रूट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर व्याला आंसर लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा आया समझ लिखो मैं फिर से समझा